हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे हमारी यूपी पुलिस मैथ्स की मॉक टेस्ट सीरीज चल रही थी, और यूपी पुलिस की क्या चल रही है, हमारी तो रीजनिंग की चल रही है, जीके की भी चल रही है, हिंदी की भी अलग मॉक टेस्ट आ रहे हैं। तो ये डेली क्या है, डे वाइज आते हैं। जैसे आज मैथ का आ गया, कल रीजनिंग का आएगा, उससे अगले दिन हिंदी का आएगा, और उससे अगले दिन फिर जीके का। जीके का हर सैटरडे को होता है, ठीक है? तो ये सब्जेक्ट वाइज है। और इस सैटरडे को आपका कौन सा होने वाला है, भूगोल का या भारत और विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी, इंडियन और इंडिया की और वर्ल्ड की, तो वो आप तैयार कर रहे होंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। और अब आपको इसमें टाइम लगाना है 25 मिनट, और 20 ये आपके नंबर होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है? जो यूपी पुलिस में 20 ही क्वेश्चन आते हैं मैथ के, बाकी लिखा हुआ है 37 का, लेकिन उसमें 17 क्वेश्चन, 17-18 क्वेश्चन किसके आते हैं, रीजनिंग के, ठीक है? तो मैं रीजनिंग जो अगला आज कल का मॉक टेस्ट लूंगा, तो उसमें पूरा बड़ा मॉक टेस्ट लूंगा रीजनिंग वाला, पिछली बार से भी थोड़ा बड़ा करूंगा उसको, कि पिछली बार तो मैंने 30 ही क्वेश्चन दिए थे, और जो सेकंड मॉक टेस्ट आएगा उसमें कोशिश करूंगा कि पूरी संख्या आपको मिले रीजनिंग की, ठीक है? यूपी पुलिस के हिसाब से बिल्कुल वही पैटर्न, वही सिलेबस, सब कुछ वही चल रहा है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, 1/11, तो इसका क्या आपका आंसर आएगा? तो आप करिए आंसर, तब तक मैं हल कर देता हूं, आप मेरे को पॉज कर लीजिएगा और आप अपना हल करना शुरू कर दो। तो मैं इसको किस तरह से करते हैं, पॉइंट लगा के यहाँ 0, फिर नहीं जाता है तो ना जाने की 0, ठीक है? 11, 99, तो हम ऐसे भाग करते हैं, आप सबको पता होगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर नहीं जाएगा भाग, फिर एक और 0, 11, 99, तो फिर ऐसे हम भाग करते रहते हैं, तो फिर एक बचा, फिर पॉइंट नहीं, ना जाने की 0, मतलब पॉइंट लगा के 0 उतार ली, फिर ना जाने की 0, फिर एक बार और, मतलब यहाँ 0 लगा के 9 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो आप देख रहे हो 09 09 09 बार बार आ रहा है, तो 09 09 बार बार आ रहा है, दोनों ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो इसलिए दोनों के ऊपर बार लग जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। और ये 0 क्यों लगी हुई है, ये तो सजावट के लिए है, कि इधर है ना जो लगा देते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो 0.09 दोनों के ऊपर बार आएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कि बार कैसे लगाया जाता है। जैसे दोस्तों, हम अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक भाग दे के बता रहा हूं। जैसे हम लोग 3 का भाग 7 में देने लगे, तो 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, और फिर एक बचा नीचे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, फिर 3 3 9, फिर आप देखोगे पॉइंट एक बचा, पॉइंट लगा के 0, 3 3 9, अब ये 3 3 3 3 आता ही चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पूरा 3 3 कितने 3 लिखे हैं ऐसे, उसके अच्छा है कि अगर आपको सारे 3 3 यहां दर्शाने हैं तो यहाँ पे बार लगा दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि 3 कभी खत्म ही नहीं हो रहा होगा, तो 2.3 बार इसको मैं बोलूंगा 7 में 3 के भाग, ठीक है? तो इस तरीके से बार वाले लिखे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी कि बार का मतलब क्या होता है, ठीक है? और बार से इसको मतलब फ्रैक्शन में कैसे लाया जाता है, अंश बटे हर में कैसे लाया जाता है, ये मैं आपको अगले किसी मॉक टेस्ट में बता दूंगा। हालांकि मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ है, पॉइंट वाला, दशमलव वाला, उसमें सिखा रखा है आपको, ठीक है, कि बार से हम इधर वाली संख्या कैसे लाते हैं। 3/5, 1/8, 8/11, 4/9, 2/7, 5/, ये ऐसे दे रखिए, तो इनको अवरोही क्रम में लगाने, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं जानबूझकर, फिर भी आप अपने आप ही लगा लोगे अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में सबसे अच्छा तरीका लगाने का, इनके आगे 2 2 0 लगा दो। तो कई लोग तो पॉइंट में भाग देते हैं, जिनको पॉइंट से ऐतराज है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, 2 2 0 लगा दीजिए सबके आगे। ऐसे लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपके पास। तो जितनी बार भी पूरा पूरा भाग जाए उतनी बार दे लीजिएगा। 12 बार जा रहा है, ठीक है, 11 से भाग दोगे, 11 7 77, फिर बचेगा 3, 11 2 22, 9 से भाग दोगे, 9 4 36, 4 बचेगा, 9 4 36, फिर 7 से भाग दोगे, 7 2 14, 60 बचेगा, 7 8 56, 7 से फिर भाग दिया, 7 7 49, फिर बचेगा 1, 7 1 7, ठीक है, 12 से भाग दिया, 12 4 48, 2 12 1 12, तो अब आपको दिख रहा है अवरोही क्रम। अवरोही क्या होता है दोस्तों, जो पहले बड़ा बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा छोटा, नीचे आते जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर अंग्रेजी में बोलते हैं, तो अवरोही सबसे पहले कौन सा आएगा, और आपको बताना है तीसरी विधि। तो सबसे पहले सबसे बड़ी है 8/11, नंबर 1,
नंबर दो पर फिर 71, 5/7, ये तो हमने लगाई ना 0, 500/7 मत करना। फिर 71 के बाद इनमें से आती है 60, तो आपका आंसर कौन सा होगा, तीसरे नंबर वाला। ये पूरा क्रम नहीं लगवाया, सिर्फ ये पूछिए कि कौन सी होगी तीसरे नंबर पर। तो बिल्कुल आसान से ही क्वेश्चन है, ये मुश्किल नहीं है, आसानी आते हैं यूपी पुलिस में, आपको पता है। 4-5 क्वेश्चन मुश्किल आते हैं तो वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, तो उनको मैं आपको करवाऊंगा, वो भी आपको समझ में आएंगे। और जो यूपी पुलिस के पेपर के सेट हैं दोस्तों, उनको भी मैं यूपी पुलिस में जो मुश्किल क्वेश्चन आए थे, उन लोगों को, आप लोगों को लग रहा होगा कि वो आपने हल नहीं कराए, तो इन्हीं प्रैक्टिस सेटों के बीच में जो तीसरा चौथा प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं मैथ्स के, उनमें रख दिया है मैंने उन्हीं मुश्किल क्वेश्चंस को, ठीक है। तो दो पेपर के दो सेटों में रख दिया है, मतलब तीसरे और चौथे में, तो दो पेपर के, ऐसे मैं हर पेपर में डालूंगा, मुश्किल उन्हीं क्वेश्चनों को डालूंगा जो यूपी में पूछे गए थे, आपको लगेगा वो बिल्कुल मुश्किल नहीं थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यदि 2 बराबर ये दे रखा है एक्स प्लस ये करके, तो 3 + 1/4, तो 4 इसको जोड़ना यहां से शुरू करते हैं। आप कहो दोस्तों यहीं से क्यों नहीं जोड़ दिया 1/ये, तो ये कैसे जुड़ जाएगा आप खुद बताओ, 1/1+ में क्या ये जुड़ जाएगा, ये एक और एक दो कर दूं क्या, नहीं, पहले तो ये है ना उसके नीचे की कहानी, तो वो खत्म करो पहले, तो वही मैं कर रहा हूं। 2 = x + 1/x + 1/2, तो देखिये 4 = 12 और 1 = 13, ऐसे ही जोड़ लेते हैं इनको, आपका एलसीएम लेके जोड़ेंगे जोड़ लो, बाकी ऐसे भी जोड़ लो जैसे हम करते हैं ना, 3 से ही 1/4, ये भी 4 = 12 और 1 = 13, माइनस होता तो 4 = 12 - 1, तो ऐसे ही सेम, तो 13/4 लिख दूंगा इसको, 1/2 तो ऊपर है ही भाई, 1 + 1/2 यहां तक तो यही चलेगा, और इसको लिख दूंगा मैं 13/4 इसकी जगह, ठीक है। अब देखो आगे मैं करूं तो x + 1/2, ये जो 4 है ना, ये तीनों एक साथ है नीचे बटे में, आपके वो चारों भी तो एक साथ है, नहीं इसके नीचे प्लस आ रहा है, तो ये तीनों एक साथ बटे में है, तो तीसरा बटे हमेशा ऊपर पहुंच जाता है, ये बात शायद आपको जरूर पता होगी। तो 4/13 में इसको कर सकता हूं, और अगर इनको मैं फिर से जोड़ने लगूं तो x + 13 = 13 और 4 = 17/13, 1/17/13, ये 13 फिर ऊपर पहुंच जाएगा, तो अब क्या आ जाएगा आंसर, 2 + x + 13/17, तो मुझे x का मान चाहिए, तो x को उधर छोड़ दो, 2 - 13/17 कर दो, क्योंकि वो उधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा, और 17 × 34, 34 में से 13 गए तो 21/17, और 21/17 को अगर सही बटे में लिखने लगो तो वो भी आप लिख सकते हो, अगर सही बटे में आंसर दे रखा हो, लेकिन हमारा 21/17 आया, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगर सही बटे में लिखना है तो 1 / 4 = 1 = 4/17, ठीक है, जैसे भी आपको करना है वैसे कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, कि इसको जोड़ना है। अब आपको पता होगा ये वर्गमूल का निशान है और ये घनमूल का निशान है, तो पहले वर्गमूल खोले या घनमूल, समस्या ये है हमारे सामने दोस्तों। वैसे कोशिश तो ये रहनी चाहिए जो पहले अंदर का है वही खुलता है, लेकिन यहां पर आप पहले अगर इसका घनमूल भी ले दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे अगर दोनों कभी भी हो तो आप कुछ भी पहले ले सकते हो, लेकिन अंदर की आदत डालो कि पहले मैं ये काम करूंगा ये जो है, तो इसका स्क्वायर रूट ले दीजिएगा, 729 का वर्गमूल होता है 27, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये अगर 6 अंक बाद है तो 27 में 3 अंक बाद लग जाएगा, 6 के 3 हो जाते हैं, और अगर ये 8 अंक बाद होता तो 4 अंक बाद, अगर ये 4 अंक बाद हो तो बाहर आके 2 अंक बाद हो जाता है, आप कहो 3 अंक बाद हो या 5 अंक बाद हो, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी बात, तो अगर ऐसा है तो भाई वो पूरा चैप्टर वर्गमूल का देख लो, वहां समझा रखे हैं अगर 3 अंक बाद होगा तो क्या करते हैं, तो आपको समझ आया 6 का 3 कर दिया हमने, 729 का 27 ले दिया, ठीक है। और ये घनमूल तो अभी छेड़ा ही नहीं है, ठीक है, और ये घनमूल इधर 0.008, अब आप 27 का घनमूल होता है 3, और 3 अंक का 1 अंक बनता है बाहर, 6 अंक होते 2 अंक, 9 अंक होते 3 अंक, ठीक है, तो 8 अंक में जो आता है वो वर्गमूल में आता है 4 अंक, जैसे हमने यहाँ 6 के 3 किए, बिल्कुल सेम आपको समझ आई होगी बात, 8 का वर्गमूल 2, 3 अंक है तो फिर 1 अंक बाद, और इनको अगर जोड़ूंगा तो 0.50, ये सिर्फ सजावट के लिए और कुछ नहीं है, इसका अर्थ
नेक्स्ट चलता हूँ पांचवा क्वेश्चन। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था, मंगलवार से, देखिए थोड़ा बड़े क्वेश्चनों में मैंने इसको काउंट किया है, थोड़ा सा ही बढ़ा है, ज्यादा है नहीं और ज्यादा थे भी नहीं यूपी में। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको पता लगेगा, ठीक है। तो 37 और 34, देखिए सोमवार से बुधवार, तो मंडे मैं आपको ले लू, ट्यूसडे ले लू और वेडनेसडे, तीन डे ले लिए, 37 + 111, ये गुणा क्यों किए मैंने, क्योंकि 37 37 37 औसत है, एवरेज है, 37 इसका 37 इसका, ऐसा नहीं है 37 ही रहा होगा, हो सकता है 40 रहा हो, तो हो सकता है 34 रहा हो, तो लेकिन एवरेज 37 है, इसलिए सबका योग तो इससे आएगा। अगर ये 4 दिन का होता 37 चौका करता, ठीक है। तो अब मैंने ऐसे किया 37 दिया, अब आगे ट्यूसडे, मंगलवार, वेडनेसडे और थर्सडे, थर्सडे ट्यूसडे और थर्सडे दोनों एक से लगेंगे ना, टीटी लिख दिया तो अब आप देखोगे 34 + 102 होते हैं। तो अब आप एक बात मुझे बताओ, देखो मंडे ट्यूसडे यहाँ भी है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यहाँ है, अब ट्यूसडे और वेडनेसडे जितना तापमान इसमें 111 में ट्यूसडे और वेडनेसडे का जुड़ रहा है, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का तो यहाँ भी 102 में भी उतना ही तापमान जुड़ रहा होगा, सीधी सी बात है कि नहीं बताओ। एक बात फिर से सोचो, ट्यूसडे और वेडनेसडे का यहाँ पर मंडे के साथ अगर जोड़ दूं तो 111 बैठेगा, और ट्यूसडे और वेडनेसडे का अगर मैं थर्सडे के साथ, बृहस्पति के साथ जोड़ दूं तो 102 बैठेगा। तो आप समझो फिर ये अलग क्यों है, 111 क्यों बैठ रहा है, 102 क्यों बैठ रहा है, ये किसकी वजह से बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ मंडे का जुड़ा हुआ है, यहाँ थर्सडे का जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों में अंतर है कितने का, 9 डिग्री का। ये 9 डिग्री फालतू क्यों है, क्योंकि मंडे का ज्यादा होगा थर्सडे से, क्योंकि इन दोनों ने तो कोई फर्क ही नहीं डाला होगा, तो मंडे और थर्सडे का जो अंतर है ना वो 9 डिग्री का है, 9 डिग्री इनका अंतर मैंने वही किया है, ठीक है। तो मंडे और थर्सडे का अंतर 9 डिग्री, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो थर्सडे और मंडे, थर्सडे का जो तापमान है वो मंडे का 4/5 है। तो अभी मैं यहाँ पे अगर मैं यूं लिख दूं, थर्सडे का तापमान और मंडे का जो तापमान है ना, थर्सडे का तापमान मंडे से 4/5 है, तो थर्सडे का पहले नाम आया है तो थर्सडे का पहला वाला है। जब भी ऐसे 4/5 3/4 तो ऐसे रेशो मान लीजिए, तो थर्सडे का पहला वाला और मंडे का दूसरा वाला है, ठीक है। तो 4 इसका 5 इसका। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे मंडे और थर्सडे का अंतर है 9 डिग्री, ठीक है, और मंडे और थर्सडे में रेशियो में कितना अंतर है, मंडे का कितना ज्यादा रेशियो है थर्सडे से, 1 रेशियो, तो 1 रेशियो में कितने डिग्री का अंतर आ रहा है, 9 डिग्री। भाई ये भी तो अंतर है और ये भी अंतर है इनका दोनों का, तो 1 रेशियो 9 डिग्री के अंतर के बराबर बैठ रहा है, ठीक है। अगर ये यहाँ किसी वजह से यहाँ 3 होता, मैं कहता 2 रेशो = 9 डिग्री बैठता, तो 1 रेशो में 9 डिग्री बन रहे हैं, हमें किसका चाहिए, बृहस्पति का, तो बृहस्पति के पास कितने रेशो हैं, 4 डिग्री 4 रेशो, तो 1 रेशो में 9 डिग्री, तो 4 रेशो में कितना हो जाएगा, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो बिल्कुल मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं आगे भी शामिल कर लूंगा ऐसा ही कोई क्वेश्चन, ठीक है। यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दें तथा हर में 350% की वृद्धि कर दें तो परिणामी भिन्न 25/51 हो जाती है। दोस्तों परिणामी भिन्न हुई है 25/51, अगर ये किसी वजह से हमें वो भिन्न दे देता तो मैं 150% उसको बढ़ा देता, लेकिन उसने क्या किया है कि दोनों को बढ़ाने के बाद जो आई है वो ये आई है। तो मूल भिन्न क्या थी, मतलब बढ़ाने से पहले क्या थी, ये तो बढ़ने के बाद आई है, तो ये बाद की पोजीशन है। तो आप देखिए उसने हर में वृद्धि की है, 100 मानता हूं मैं हर को, उसने 350 की वृद्धि की तो 450 कर दिया, उसने अंश में भी वृद्धि की, 100 ही मैंने अंश को माना तो ये 250 कर दिया। तो अब आप एक बात बताओ मुझे, ठीक है, अगर ये मान लो कहता 20% कमी है तो मैं 80 करता है, ये कहता 20% वृद्धि है तो मैं यहाँ पे 120 करता, ठीक है। लेकिन अगर ये 150 बोला है तो मुझे 100 में तो जोड़ना है ना इसको भी, आप कहो 100 भी तो लेते हैं साथ में, मैं 100 का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर रहा हूं, बस इतना तो कर सकते हो ना आप, वृद्धि का है तो 100 में इनको जोड़ना होता है, ठीक है। अब आप देखो जो काम, चूंकि हम उल्टी साइड से चल रहे हैं, जो काम उसने हर में किया था 350% तो उससे क्या आया 450, उसको तो कर दो अंश में, ठीक है, और जो काम उसने अंश में किया था उसको कर दो हर में, बस 250, ठीक है। 150% है तो मैंने 150 नहीं किया, 100 में जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये परसेंट है,
अगर ये परसेंट नहीं होता तो फिर मैं 150 ही कर देता, लेकिन ये परसेंट ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप काट लीजिए, आपकी मूल भिन्न आ जाएगी, ये आपका आंसर है। अगर ये मूल ना कह के परिणामी कह, मूल देता और परिणामी इसको पूछता, तो मैं फिर ऊपर की चीज अंश की चीज अंश में ही करता, 250 ऊपर 450 नीचे, जो अंश में बोला वही काम अंश में करता, जो हर में बोला वही काम हर में करता। ठीक है, लेकिन इसने उल्टी चीज बोली है कि भाई मूल बताओ, मूल तो पता ही नहीं है, परिणामी दे रखी है, फाइनल भिन्न दे रखी है, तो हमने उल्टा करना पड़ा काम को, है ना। अंश का काम हर में, हर का अंश में। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गई होगी आपको बात। और अगर मैं 3 से इसको काट दूं 15 बार और 3 से इसको काट दूं 17 बार, 15/17 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, यदि एक्स बराबर 7-4√3 हो तो एक्स प्लस 1/x का मान बताओ। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। एक्स प्लस 1/x का मैं मान रख रहा हूँ डायरेक्ट, अगर ये वर्गमूल भी निकलवाता ना, √x/1+1√x का मान पूछता है कई बार, तो इसका फिर वर्गमूल भी निकालना पड़ता है हमें, तो वो मैं बता दूंगा किसी वर्गमूल का क्वेश्चन शामिल करके किसी मॉक टेस्ट में, सब कुछ कवर हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, इतने मॉक टेस्ट करवाऊंगा आपके, आपकी झड़ी लगा दूंगा, है ना। कभी न्यू सोच रहे हो 7-4√3+1/7-4√3। ठीक है, ये मैंने x का मान रखा है, ये जो मान है वो यहाँ पुट किया है बस। किसी को ये मुश्किल लगता हो तो भाई मान लो मुश्किल, वरना तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब बात क्या है, ये बटे में रूट हमारा हमेशा दुश्मन होता है, तो मुझे यही खत्म करना है सबसे पहले। देखो रूट ऊपर चल जाएगा कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर कभी भी बटे में रूट हो ना तो सबसे पहले उसी को खत्म करो। तो इसको क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, है ना, रेशनलाइज जिसको बोलते हैं। तो माइनस का अर्थ क्या है, अगर इसको रेशनलाइज कभी भी करना हो ना तो इसको ऊपर ले जाओ, और अगर माइनस का निशान है तो प्लस का कर लो। ये एक कहाँ जाएगा, एक गुना में आ जाता है, तो गुना एक की करो या मत करो। अगर ये 3 होता तो 3 तो लिखना पड़ता भाई कोष्टक लगा के, है ना, पर वो है नहीं वहां पे कुछ भी। और नीचे क्या करते हैं भाई, हमने क्या किया, सिर्फ माइनस का निशान ले गए, ऊपर कराया तो प्लस हो गया, अगर ये प्लस होता तो ऊपर ले जाने में ये माइनस आ जाता, बस इतना फर्क है। और नीचे क्या करूंगा, इनके वर्गों का अंतर, देखिए 7 का वर्ग तो आप सब लोग जानते हैं 7 का वर्ग क्या होता है, और माइनस 4√3 का वर्ग, और मुझे बता दो 4√3 का वर्ग, मैं कर लेता हूँ 4√3 × 4√3, तो 4 × 16 और √3 में √3 करूँ तो 48, 16 × 48 3 आ जाएगा ना, √3 में √3 3 तो ये 48, तो 7 के वर्ग में से अगर 48 घटाऊंगा तो ये तो 1 हो जाएगा, और 1 का भाग इसमें 2 या मत दो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों उत्तर क्या आ गया, 7-4√3 और 1 का भाग तो 2 या मत दो क्या फर्क पड़ता है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ इतना काम देखिए, तो ये 7+4√3 हो जाएगा, तो अगर देखें तो ये 4√3 से 4√3 कट जाएगा, और आपका आंसर क्या जाएगा, 7+7 = 14, तो ये बिल्कुल ऑप्शन में होगा, तो आप टिक कर देंगे। कितना आसान ये सवाल बन जाएगा, अगर नहीं समझ में आया 2-3 लाइन का सवाल है, फिर से देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर एक गृहिणी 1116 रुपए में इतने किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य, दोस्तों दो मूल्य होते हैं, घटा हुआ और एक होता है प्रारंभिक, तो घटा हुआ या बढ़ा हुआ एक ही बात होती है, घटा हुआ या बढ़ा हुआ हमेशा नया मूल्य होता है। क्यों होता है ये नया, दोस्तों यही बोलेगा ज्यादा से ज्यादा, तो चीनी के मूल्य में कमी आने पर या चीनी का मूल्य बढ़ने पर होता तो यहाँ बढ़ा हुआ कहता, और घटने पर होता है तो यहाँ घटा हुआ कहता है। तो घटा हुआ हो या बढ़ा हुआ हो, तो घटने के बाद का मूल्य घटा हुआ मूल्य, तो इसका मतलब नया मूल्य, तो कभी भी घटा हुआ या बढ़ा हुआ नया मूल्य कहते हैं। और प्रारंभिक मूल्य को क्या कहेगा, या तो बोलेगा चीनी का मूल्य बताओ, तो वो प्रारंभिक ही बताना है, जो कुछ भी ना बोले, ना घटा हुआ ना बढ़ा हुआ, बस चीनी का मूल्य, तो समझ लो प्रारंभिक पूछा है। और यह बोलेगा साफ साफ चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताओ, कमी से पहले वाला। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आपको समझ में आ गई है, तो मैं आपको नया मूल्य बता देता हूँ निकालना। नया मूल्य को क्या बोलते हैं, घटा हुआ या बढ़ा हुआ। ठीक है, ये साफ आप लिख भी सकते हो, घटा हुआ या बढ़ा हुआ, ये हम बोलते हैं किसको, नए मूल्य को। तो हम लोगों को क्या करना है, 10% कमी होने पर
एक गृहिणी 1116 रुपए में, तो 10% कमी होने पर 10 की गुणा 1116 रुपए, तो ये दोनों चीज होती है जितने परसेंट की और जितने रुपए में चीजें वो खरीद रही है उनकी गुणा ऊपर कर दीजिएगा, और जितने किलो चीनी, क्योंकि हमें एक किलो का रेट निकालना है तो ये 6.2 किलो का आएगा, इसलिए 6.2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तीन संख्याएं सवाल में सिर्फ 1, 2 और 3 तो पहली 2 की गुणा और तीसरी का भाग, और जस्ट अगर नया पूछा है तो हमेशा 100 लेंगे, और अगर यहाँ इसने प्रारंभिक पूछा होता तो तीन चीज बिल्कुल ऐसे ही रखता, तब भी बस प्रारंभिक में 10% की जो कमी है ना, ये 100 ना रख के 10 की कमी रखता, मतलब 90 रख देता, 10 की वृद्धि होती 110 रख देता, लेकिन नए में हमेशा 100 रखा जाएगा, तो हमेशा ऐसा ही होगा, चाहे कितने की भी 20% की वृद्धि कमी कहता है ना, तो बस यहाँ 20 आ जाता, बाकी ये तब भी 100 ही रहता। उम्मीद करता हूँ बात आपको मेरी समझ में आ रही होगी कि भाई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, ये जरूर आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि समझ में तो आ रहा है ना, क्या मैं वैसे ही मूंड मारे जा रहा हूँ और आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा हो। दोस्तों 231 बार, और अगर मैं 2 से इसको काटूंगा तो 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, तो ये इतनी बार इससे कट जाएगा। तो देखिए, और भी अगर मैं इसकी गुणा गुणा करूं तो 31 से ये 18 बार पूरा पूरा कट जाएगा। आप कर लेना भाग, मुझे तो लग रहा है कि 18 बार कट जाएगा, क्योंकि 18 गुणा करूं 18 × 18 = 18, 18 × 3 = 54 और 1 = 55, बिल्कुल सही है, 18 बार कटेगा और आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। एक दुकानदार किसी वस्तु पर, कुछ लोग मेरे भाई मेरे दोस्त कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि जी पीडीएफ में दे दिया करो इनका, तो दोस्तों मैं पीडीएफ में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसमें इस तरह से मैं लिखा होता हूं, अगर मैं पेज पर लिखूंगा तो पीडीएफ बन सकती है, जैसे मैंने जीके का दिया उसमें आप लोगों ने बोल दिया क्वालिटी खराब है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा उसकी क्वालिटी सुधारने की, लेकिन दोस्तों इसको भी दूंगा तो फिर वही हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे ही ले लिया करो और क्वेश्चन को साथ के साथ कर लिया करो, मेरे लिए क्यों आफत बढ़ा रहे हो। बहुत वैसे ही आफत हो रखी है कि आपको मॉक टेस्ट डेली देना ही देना है, ये मेरे लिए मतलब बहुत मुश्किल काम हो रहा है, पर मैं दूंगा, ये मैंने आपसे पहले ही बोल दिया। ठीक है, चलिए, तो जो मैं आपसे प्रॉमिस कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं उस पर खरा उतरूं, चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े। एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो 120 कर दिया, फिर 10% छूट देता है, तो देखिए 100 रेट मानते हैं, कभी भी क्या करता है दुकानदार, बढ़ा लेता है फिर घटा लेता है अपने अकॉर्डिंग, तो हमने ये बढ़ा लिया और फिर 10% घटा दिया, तो घटाने को 90 करते हैं, बढ़ाया और फिर अपने आप ही घटाया, और बटे में 100, क्योंकि 100 पे देखना है सब चीज, तो अब आप देखोगे 12 × 9 = 108 हो गया, तो कुल उसका लाभ कितना रहा, 100 की चीज थी 108 की आ गई फाइनली, तो 8% लाभ। अगर ये गलती से अगर ये 110 होता, 10 की छूट देता, 10 ही बढ़ाता, तो ये 110 करते 11 × 99 आता, 1% कमी आपका उत्तर हो जाता, तो फिर लाभ नहीं फिर नुकसान होता और उल्टा। ठीक है, तो जब 100 से ये कमाएगा तो नुकसान है, और 100 से ये फालतू आए तो लाभ है, साफ साफ आपको पता लगती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ दोस्तों, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है और आसान सा ही है। 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी क्रम से 5 × 3 = 2 × 1 = 3 तथा 7 × 4 के अनुपात में है, किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में ऐसा लगता है दोस्तों, किस पात्र में पानी की सापेक्ष मतलब किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा, तो दूध कौन सा है, पहले वाला, तो दूध है पहले वाला, तो पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम देखनी है, तो कौन से पात्र में, तो आप देखो भाग भाग देके देख लो, बस ये भाग दूंगा तो 1.2 आ जाएगा, 1.6, इसका भाग दूंगा तो 2, तो जिसमें, क्योंकि दूध ऊपर है दूध में भाग देना है। ठीक है, और अगर मैं देखूंगा तो ये 1.5, तो जिसमें सबसे कम आ रहा होगा तो 1.7, तो आप देखो पानी के सापेक्ष दूध सबसे कम किसमें है, दूध है इसमें, तो पानी का हमने दूध में भाग देके देख लिया, तो तीसरे पात्र में पानी के सापेक्ष दूध सबसे कम मिला। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इसको करना होता है, बहुत आसान तरीका है। चलिए अगले पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि 11
देखिए 11वां क्वेश्चन है, ये क्या है आपके साझेदारी से। यूपी पुलिस में हर पेपर में साझेदारी का क्वेश्चन था लगभग, ठीक है, और उसको वो मुश्किल क्वेश्चनों में आपको लग रहा था, तो मैंने एक इसमें साझेदारी का शामिल कर लिया है। और अब आपको लगने नहीं चाहिए क्योंकि मैं हर सेट में साझेदारी का शामिल करूंगा। आपको यूपी पुलिस के में जरूरी थोड़ी है कि पूछा जाए, तो भाई मत पूछा जाओ, हम तैयारी तो उस हिसाब से रखेंगे ना अपनी। पूछो या मत पूछो वो बात अलग है, हम साइड के और भी तो बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हर चैप्टर से ले रहे हैं, ठीक है। तो वही लेवल वही सब कुछ, तो मैंने मार्क कर दिया है मुश्किल क्वेश्चनों में, ठीक है, कि भाई तीन चार तो रहते हैं ना। तो एबीसी मिलकर एक व्यापार शुरू किया, इन्होंने मिलकर 5-6-8 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाई। एक वर्ष बाद सी ने इतनी पूंजी वापस ले ली और ए ने अपनी पूंजी का 60% और लगा दी, तो 2 वर्ष बाद उनका लाभ किस अनुपात में बटेगा। आप क्या इस टाइप के नहीं थे, तो जिस टाइप के थे उसके मैं अगले वीडियो में ले दूंगा, पर इस टाइप का आ भी तो सकता है, हम तो पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मत सोचिएगा जी इस टाइप का नहीं था, ये तो आपने और तरीका का ले रखा क्वेश्चन, तो सारे उसी टाइप के थोड़ी करेंगे, उन्हें भी मैं करवा दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो। तीसरे चौथे सेट में साझेदारी के ही आ रहे हैं क्वेश्चन, और वही आ रहे हैं जो यूपी पुलिस ने पूछे थे, ठीक है। तो ए बी और सी दोस्तों, इसको अनुपात ऐसे दे रखा हो, क्योंकि फिर हमें परसेंट निकालना मुश्किल पड़ेगा इनका, इसलिए मैंने 500, 600, 800 मान लिया। मानने में कोई समस्या नहीं है, आप 5000, 6000, 8000 मान लो, 50, 60, 80 मान लो, अनुपात यही रहना चाहिए, बस बात ये है। एक वर्ष बाद सी ने अपनी पूंजी 50% वापस ले ली, तो दोस्तों सी ने कितने दिन अपनी पूंजी लगाई रखी, 12 महीने तक तो यही लगाई रखी ना, लेकिन लेकिन क्या किया कि अगले देखो लास्ट में 2 वर्ष के बाद है लाभ, तो 2 वर्ष तक देखूंगा सी ने कितना पैसा लगाया। 12 महीने तक सी ने 800-800 लगा कर रखे, लेकिन आधी अपनी वापस ले ली, इसका मतलब अब उसके रह गए 400 रुपए। 50% वापस मतलब आधी ले ली, 50% निकालने की जरूरत नहीं है, 800 का 50% पता ना आधी क्योंकि है, तो 400 अगले 12 महीने तक उसके 400 लगे रहे, क्योंकि आधी तो वापस ली। और ए ने क्या किया कि अपनी उसी टाइम पे, कब, एक वर्ष के बाद की बात चल रही है, इसने निकाले अपने और ए ने और लगा दिए, तो ए ने 500 तो पहले ही लगा रखे थे 12 महीने तक, प्लस ए ने और क्या किया कि 60%, तो 500 का 60% निकाल ले रहे हैं हम ऐसे, ठीक है। तो 500 का 60% हमने देखा, ये आ गया 300 रुपए, तो 300 और बढ़ा दिया उसने, इसका मतलब 500 तो पहले ही लग रहे, 800 कर दिया उसने, तो 800 अगले 12 महीने तक 800 चलेंगे, कह रहा 60% और लगा दी। और बी ने क्या किया, बी ने कोई परिवर्तन नहीं, अपने 600 शुरू में ही लगाए और 24 महीने तक यही चले, ठीक है, उसके में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। तो हमने देखा इसने कितने पैसे लगाए दोस्तों, तो 12 थे 9600 और इसके 12 4 4800, तो जरा दोनों को जोड़ लेते तो 0 0 8 6 14 और 9 4 13 1 14, 14 400, और मैं इसको जोड़ दूंगा तो ये 6000 और ये 12 8 9600, तो 15600, ठीक है। और मैं अगर इसको जोड़ दूं तो ये 14000, 24 144 होना 14400, तो एक के बी के और सी के बराबर ही बने फाइनली, ठीक है। लगाए उसने ज्यादा थे सी ने, लेकिन बीच में वापस लेके उसके फाइनली बराबर ही मिलेगा, तो 2 जीरो सबके पास है इसलिए काट दी, और अब ये 12 से कट जाएगा तीनों, तो 12 से ये 12 बार, ये 13 बार और ये 12 से 12 बार, तो रेशो क्या आ गया, हाँ एबीसी का रेशो देखना है ना, एबीसी का क्रम में देखना है, तो एबीसी ने किस रेशो में अनुपात में पैसा बटेगा, तो ए ने लगाए जो है 13, बी ने 12, सी ने भी 12, तो इस रेशो में पैसा इनका बटेगा। अगर मान लो कुछ कहता कि इतने पैसे हैं तो इस रेशो में फिर हम बांट लेते बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो अब इसने तो सिर्फ रेशो पूछा है, आपका आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया कोई नहीं, फिर से देख लो, और भी आगे कवर कराएंगे, क्वेश्चन आ जाएगा, मॉक टेस्ट जरूर दिया करो बिल्कुल टाइम लगा के, ठीक है। नहीं हो रहा हो, आपको लगता है ये टाइम लेगा, आगे बढ़ जाओ, जस्ट एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान है, 20 दिन बाद 50 सैनिक और आ गए। तो दोस्तों देखो, सैनिक और दिन, तो हम लोग क्या करेंगे कि 150 सैनिक के लिए हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, ऐसे करने लगते हैं, 150 सैनिक के लिए 50 दिन का भोजन, और 20 दिन बाद और सैनिक आ गए, 20 दिन बाद 50 सैनिक और किला छोड़कर चले गए, तो इसका मतलब यहाँ 100 कर देंगे, लेकिन इस 20 को न्यू सोचते रहेंगे कि हम क्या करें इस 20 का,
ठीक है, इस बीच का हम क्या करें, ये हमें समझ में नहीं आता लास्ट तक। तो दोस्तों अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप एक काम किया करो, 150 सैनिक 50 दिन के लिए भोजन का प्रावधान, तो इस 50 को ऐसे मत करो कि इन्होंने जितने दिन खा लिया 20 दिन तक तो 150 ही रहे, 20 दिन तक तो 150 ही रहे कि नहीं रहे बताओ। 150 आदमी मैं मानता हूं 50 दिन इस भोजन को चला लेते, लेकिन 20 दिन तक तो चलाया भी उन्होंने, तो उनके लिए कितने दिन का भोजन और बच रहा था, बचे हुए भोजन पे फोकस करेंगे तो 30 दिन और चल जाता ये भोजन। अगर ये ना जाते तो 150 आदमी 30 दिन और खा लेते, लेकिन वही भोजन जो बचा हुआ है अब वो 150 को नहीं खिलाना, अब कितनों को खिलाना है, 50 तो गए, 100 आदमी कितने दिन खाएंगे, मतलब जिस भोजन को 150 आदमी 30 दिन चलाते उसको 100 आदमी क्या दिन चलाएंगे, ये है सवाल। बस ऊपर की गुणार नीचे का भाव, उत्तर है अब आपका, क्या बताओ, इतने आसान भी कोई सवाल को करा देगा क्या, 15-45 कितना आसान ये सवाल है, अगर समझ में आ गया तो वाकई बहुत आसान है। बस करना क्या होता है, जितने दिन भी बाद जाए उसको इस टोटल दिन में से घटा दो, 50-20, बस ये करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 15×8 भाग ये, तो बॉड मास लगेगा, आप सबको पता है कि बॉड मास क्या करता है कि सबसे पहले इसका भाग देते हैं, 15×8/3 8/24 ये भाग दे दिया, -7 + 4 तो भाग दिया तो 8 + 24 ये 3 आ गया, और 3 से 5 बार कट गया, ये एक बार था, 8 × 8 = 24 तो इधर 5 बचा, इधर 7 + 4। बहुत बच्चे ऐसा भी करते हैं 5 - 7 = 4 = 11, क्योंकि जोड़ आता है पहले, आप सबको पता है बोर्ड मास में, तो 5 - 11 और फिर ढूंढने लगेंगे इसमें -6 कहाँ है। लेकिन दोस्तों ये गलत है तरीका, आपको करना क्या है कि ये माइनस वाला आपको प्लस नहीं करना है, ये आपने प्लस कर दिया इसके साथ, नहीं करना, तो 5 में 4 जोड़ना है क्योंकि ये प्लस प्लस के 9, और 7 घटाना है, तो आपका उत्तर ये है। तो -6 जो ढूंढते हैं उनके लिए भी मैंने बताया ऐसा कभी मत करना, ठीक है। 14वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद दे 14,580 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या होगा। वर्तमान मूल्य याद रखना हमेशा मूलधन को बोलते हैं, लेकिन फिर ये क्या है, ये मूलधन नहीं है क्या, ये 2 साल बाद दे, 2 साल बाद जो आदमी देने आएगा या बैंक भी देगा वो मूल और ब्याज मिला के होता है। तो आप कहिए 14,580 गुणा ये मिश्रधन है और मूल लाना, तो मूल इससे कम आएगा हमेशा, तो ये 8% है ना, तो इसको 100 108 करते हैं, 100 रुपया के 108 बनने हर साल, ठीक है। तो 2 साल तक में बन गया इतना, तो इसका मूल क्या था, तो मूल कम होगा, तो 100/108 दो बार कर देंगे 100/, क्योंकि कम लाना, कम लाना तो ऊपर कम रखा, क्योंकि अगर ऊपर 108 रख दोगे गलती से भी तो क्या होगा, ज्यादा आ जाएगा इससे भी, और हमें पता मूल तो भाई कम आएगा इससे, और सारे उत्तर कम है, ये ज्यादा ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, तो ये है उत्तर, ठीक है। अब मैं देखूं कि भाई कैसे काटते हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए कि भाई ये 25 बार 4 से और 4 से 27 बार, ये 4 से 25 बार 4 से 27 बार, और फिर मैं 27 से काटूं या 27 का पहाड़ा नहीं आता है तो 9 से काट लेता हूं, 9 × 9 फिर यहाँ 5 बचेगा, 9 × 6 = 54, 9 × 2 = 18, 1620, 3 से फिर कट जाएगा, 3×5 = 15, 54, अब देखो 27 से 54 कितनी बार कटता है, 20 बार, 25 25 625 और 20 की गुणा कर दूं, 625 दूनी होता है 1250 और 1 0, तो 12500 बहुत आराम से आप कैलकुलेट कर लेंगे। 15वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 729, देखिए ये थोड़ा मुश्किलों में रखना है, रखा है मैंने, हालांकि बहुत मुश्किल तो नहीं है, 729 मिलीलीटर में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, तो दूध और पानी अलग अलग कर लो, मतलब हंस बन जाओ आप थोड़ी देर के लिए, तो 729 वही करता है ना दूध पानी को अलग अलग, तो हम भी कर लेंगे, तो 729, 7 दूध कितना, 7 पहला अनुपात किसका, दूध का, कितने में से दूध, 7 9 में से, टोटल में से देखना 9 में से, और ये टोटल कितना 729, तो 7 जब 9 में से 7 है दूध तो 729 में से कितना होएगा, इसलिए इसकी गुणा करते हैं, तो ऐसे आपने करा 7 × 7 7 × 8 = 56 567 आया, ठीक है। तो अब आप देखिए ये तो दूध आ गया, और अगर इसमें पानी निकालना है मुझे तो पानी भी मिल जाएगा, पानी देख लेना 729 में से इसे घटा देना 162 आ जाएगा, ठीक है, तो 162 इसमें पानी है,
तो ये पानी का, ठीक है। चलिए ये ml है, ml ml, ठीक है। अब कहें कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, इसमें कितना पानी और डाला जाए तो ये अनुपात हो जाए। तो अब आप देखो, आपको अनुपात करना है 7:3 का, तो 567 और ये है 162। अब इसमें कितना मैं और मिला दूं ताकि अनुपात 7:3 का, दोस्तों ये तो अब भी 7 का था, देखिए इसमें कोई चेंज नहीं है, ये 7 का ही था और अब भी ये 7 ही है, ठीक है। तो ये 81 से 7 बार कट रहा है, लेकिन इसको 3 करना है, ये 81 से कितनी बार कट रहा है, 2, तो इसको 3 करने के लिए तो इसमें 81 तिया होने चाहिए यहाँ, तो 81 से भाई ये फिर 7 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो सिर्फ पानी पानी मिलाना है, तो 81 तिया होते हैं, तो आप यू समझ लो 3 × 3 = 3, 3 × 8 = 24, 243, तो 243 ml करना है इसको, और वो कितना और मिलाएंगे, सीधी सी बात है 81 ml और मिला दो, तो ये फिर क्या है, पानी बढ़ जाएगा, ये आपका दूध होगा, तो दूध और पानी का नए मिश्रण में ये अनुपात हो जाएगा। नहीं आया हो समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर देखो आप एक बात सुन लो, 7:2 का रेशो आपको 7:3 का करना है, तो मतलब एक रेशो बढ़ाना बस, तो ये जितनी बार 81 से कट रहा था ना, तो 81 से ये दोनों 81 से कट रहे थे, ये 81 सत्ते, ये 81 दोनों, तो 81 तिया करना आपको, 243 करना, या अगर नहीं आ रहा है सिर्फ समझ में तो आप ऑप्शन लो और 81 इसमें मिला मिला के देख लो, तो आप देखोगे 243 हो जाएगा, तो इसका और इसका अनुपात 7:3 का आ जाना चाहिए, बस किसका किसका, 567 का और 243 का 7:3 का अनुपात है या नहीं है ये चेक कर लो। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे कर लीजिएगा। 16वां क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है, इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो देखिए इसके अंदर की तरफ है रास्ता, ये 90 के पार्क था अंदर की तरफ, तो आप देखो ये मैंने रास्ता बना दिया, रास्ता कौन सा रास्ता है, ये रास्ता, ये वाला, ठीक है, ये सब रास्ता है, तो आप समझ गए रास्ता कौन सा है, तो पार्क रह गया अंदर अंदर, ठीक है। तो अब देखो इस रास्ते पर 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर, तो रास्ते पे प्रति वर्ग मीटर लगाना, इसका मतलब रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, तो रास्ते का क्षेत्रफल मैं कैसे निकालूं, इस बड़े वाले आयत, हरा वाला जो है बड़े वाले आयत के में से ये ऑरेंज वाला आयत घटा दूं अंदर वाला, तो रास्ते रास्ते का आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो आप बताओ रास्ता कितना चौड़ा, 5 तो इधर है, 5 इधर चौड़ा, तो रास्ते की ये जो ये ऑरेंज वाली लाइन है ये कितनी हो जाएगी अंदर वाले पार्क की लंबाई, ये तो रास्ते में गया 5, 90 थी पूरी, 5 इधर गया, 5 इधर गया, 80 बची, और ऐसे ही ये 60 थी, तो 5 ऊपर गया, 5 नीचे गया, इसका मतलब ये 50 बची, तो बाहर वाले रास्ते का क्षेत्र, बाहर वाले पार्क का रास्ते सहित क्षेत्रफल, तो 90 × 60, और उसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं अंदर वाला 80 × 50, तो मुझे रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आ जाएगा कि रास्ते पर कितना वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, तो ये आ गया 1400, क्योंकि 4000 ये होगा, तो ये 1400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, और एक वर्ग मीटर में इसको पक्का करवाऊं, रोडी बिछवाऊं, तो 15 रुपए लगते हैं, तो 1400 में कितने लगेंगे, एक में लगते हैं 1500, तो 1400 में कितने लगेंगे, 15 रुपए तो एक में लगते हैं, तो 1400 में कितने लगेंगे, 15 × 4 = 60, 15 × 1 = 15 और 6 = 21, तो ये लगेंगे ये 21,000 रुपए, ठीक है, 21,000 रुपए आपका आंसर। नेक्स्ट, तो बड़े में ले सकते हो इस क्वेश्चन को भी, एक ये बड़े में मैंने लिया है 17वां क्वेश्चन, कि ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं ना, एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है, तो एक तीसरा पाइप इस भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर देता है, प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं, तो जो पहले दोनों पाइप खोले हैं 15 जो भरने वाले हैं वो 4 मिनट में कितना भर देंगे, पहले तो मैं ये देखूंगा। तो आप देखो ये 60 हिस्सा टोटल है उसमें भरने के, जो इनका एलसीएम होता ठीक है उसको बोलते हैं, इतना भरना टोटल भरना था, लेकिन एक मिनट में कितना भरते हैं, एक मिनट में वो यहाँ आएगा कि भाई 60 डब्बे भरने हैं इनको दोनों को मिलकर, ठीक है, तो ये तो 4 डब्बे भरता है एक मिनट में, और ये 10
दस मिनट में इन साठों को भर देगा, तो एक मिनट में क्या भरेगा छह, ये 15 मिनट में साठों को पूरा, कह रहा ना 15 मिनट में पूरा भर देता है टंकी को, तो ये 60 डब्बे हैं टंकी में ऐसे मान लो, तो ये 4 भरता ये 6 भरता, तो ऐसे मान लीजिए एक मिनट में कितने डब्बे भर रहे हैं, 10 भरने टोटल 60, और ये चला कितनी देर, 4 मिनट तक, बोला ना भरने वाले 4 मिनट तक चलाए रखे, तो 40 डब्बे भर गए, 40 काम हो गया, 40 काम इसमें से हो चुका। अगर ये चलते रहते 6 मिनट तक तो पूरा ही भर जाता, तो पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा ये पूछता है कई बार, तो 6 मिनट में हो जाता काम, दिख रहा है आपको साफ साफ। लेकिन अभी 20 डब्बे बचे हुए थे, हुआ क्या कि भाई अब इसके बाद जो टैंक है वो खाली करने वाला भी खोल दिया, तो खाली करने वाला क्या है 5 मिनट में खाली कर सकता है, लेकिन इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया, वो बंद नहीं करे जो ऊपर वाले हैं, वो भी चल रहे हैं साथ में, तो 15-10 तो चल ही रहे हैं, पर लेकिन ये 5 वाला और आ गया, तो इनका सबका मैं मान रहा था कि 60 डब्बे हैं, ठीक है, तो एक मिनट में क्या हो रहा, ये तो 4, ये भर रहा है कितने 6, और ये खाली करेगा कितने ने 12 ने, 5 का भाग दो इसमें, तो 5 मिनट में 60 को खाली कर देता, तो इसका मतलब 1 मिनट में 12 खाली करेगा, तो आप देखो ये तो 10 भरेंगे, ये 12 ने खाली कर देगा उसी मिनट में, तो इसका मतलब ये 2 एक्स्ट्रा खाली कर देता, ठीक है। तो अब जो है अगर ये 40 डब्बे भरे हुए हैं तो 1 मिनट में 2 खाली होंगे, अगर ये भी साथ चले तो, अगर ये ना चले तो ये 12 ने खाली करे 1 मिनट में, है देख रहे हो ना, 1 मिनट में फिर ये 12 खाली कर देगा, लेकिन अगर ये भी चलते रहे तो भाई यही तो हुआ है, इस 40 में कौन कौन चल रहा है, 6 वाला भी चल रहा, 4 वाला भी चल रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है 12 वाला इसको घटा भी रहा है, तो कुल मिलाकर 40 - 2 है, तो इसका मतलब 20 मिनट में यहां से टंकी खाली हो जाएगी, 20 मिनट लगेंगे खाली होने में, ठीक है, क्योंकि वो भी चल रहे हैं भरने वाले। उम्मीद करता हूँ समझ में तो आ गया होगा, नहीं आया हो तो बताना कमेंट में, अरे इसे दोबारा सुन लेना मेरी स्टोरी है, कई बच्चे अटकेंगे इसमें, जबकि आसान सवाल था। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 की स्पीड से चलती है, 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी, कितना आसान क्वेश्चन है। तो अब देखो ये रेलगाड़ी है और ये है गुफा, ठीक है, अब ये है 350 की रेलगाड़ी और ये है 250 की गुफा, गुफा देखने में लग रही है रेल से लंबी है, पर मान लो हमारा क्या जा रहा, तो ये रेल की चाल है, अब आपको चाहिए रेल कितनी देर में पार करेगी, मतलब समय चाहिए, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, तो दूरी कितनी, रेल को कितना चलना पड़ेगा, इसके पिछले डिब्बे से हिसाब लगाते हैं जब भी पार करने की बात हो, तो रेल के पिछले डिब्बे को चलना पड़ा 350 अपनी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, तो यहां जब पिछला डिब्बा आ जाएगा जब मानूंगा कि पार होगी तो 350 प्लस 250, ठीक है, और चाल कितनी होगी 54 की, लेकिन ये क्या है मीटर और ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में या तो एक ओड़ को बदल लो, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाती है 5/18 की गुणा करते ही, ये कैसे आया ये मैंने समझा रखा डिटेल में, अब नहीं बताऊंगा नहीं तो बहुत बड़ा सवाल बैठेगा, तो ये ऐसे काट सकते हो, ना कट रहा हो तो फिर 18 ऊपर ले जाया करो, तुम्हारी मर्जी है, तो 600 बटे नीचे बचा 15, 15 से भाग दिया 40 सेकंड, बहुत बढ़िया आ गए, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में था ना, तो सेकंड में ही तो आएगा टाइम। चलिए उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा सा लास्ट में तेजी दिखा दी है मैंने, अगर कोई दिक्कत ना हो तो फिर बता देगा करो, भाई तेजी मत दिखाओ कहीं भी अगर दिक्कत लगी हो, ठीक है। तो एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है, ये आयु संबंधी भी आ जाता है सवाल, तो पता है ना, आया नहीं था इस बार यूपी पुलिस के किसी भी पेपर में आयु का, पर अब आ जा कुछ पता, तो ये मुश्किलों में मान लिया मैंने, है ना, मुश्किलों में कहा माना, ये तो अभी लगाया इसे करवाने को, कभी नहीं सोच रहे हो, ये तो आयु के कभी मुश्किल हो ही ना सके। तो देखिए, तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र से 3 गुना थी, ये ऐसे क्वेश्चन इसने पूछा है, तो मैं आपको बताता हूं कि पुत्र की वर्तमान 20 है जैसे, ठीक है, तो पिता की कितनी हो जाएगी 40, बोल रहा है ना दुगुनी है,
ठीक है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 है, पिता की हो जाएगी 40, क्योंकि ये वर्तमान से ही दुगुनी बोल रहा है। कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र से 3 गुना थी, अब कितने वर्ष पहले 3 गुना थी? अगर मैं अंदाजे से ले लगूं भाई, 2 साल पहले ये 18 का, ये 38 का, तो 3 गुना देखना, 18 38 नहीं है 3 गुना, तो ऑप्शन से ही ना देख लूं। तो मैंने पहला ऑप्शन लिया 8, तो 8 घटाया ये 12 का, ये 8 घटाया ये 32 का, तो ये क्या 3 गुनी बैठ रही है? नहीं बैठ रही, तो ये गलत। ठीक है, फिर 10 साल घटाओ, 10 साल घटाया ये 10 का, तो ऑप्शन से लिए करो इसको, और ये 10 साल घटाया 30 का, तो आपने देखा 3 गुनी बैठ गई 10 साल पहले दोनों की, तो किससे? ऑप्शन 10 से। उम्मीद करता हूं क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 20वां। यदि 1y 3y 6, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 11 से विभक्त हो तो y का मान बताएं, तो आप क्या करोगे? कल दोस्तों रीजनिंग का टेस्ट आएगा, बिल्कुल तैयार रहिएगा। तो इसमें क्या है कि 11 का नियम ये कहता है कि एक अंक छोड़ के एक अंक अगर इनको जोड़ दो तो ये क्या आएंगे, 1 + 3 + 6, इसका मतलब 10। ठीक है, तो इन दोनों का भी जो बच रहे हैं उनका भी योग उतना ही होना चाहिए, तो 11 से विभक्त मानी जाती है। तो ये कह रहा है 11 से विभक्त तो ये है ही, तो अगर ये है तो ये जरूर 10 होंगे ये भी मिलके। तो अगर ये 10 होंगे तो ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग कहें ये 6 होगा, ये 4 होगा, लेकिन दोस्तों अगर यहाँ x होता या y, तो फिर तो आपको अलग अलग मान मानने पड़ते। जब दिख रहे हैं दोनों जगह y लिख रहा, तो मान भी एक से ही मानने पड़ेंगे, जब ये चीज ही एक से लिख रही है, तो 10 को दो जगह तोड़ना, तो यहां भी 5, यहां भी 5, अगर यहां मैं 5 5 रख दूं तो 11 से कट जाएगी, रख के देख लो आप पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 15 35। अच्छा ये अब इसको काट के देख लो, बिल्कुल कटती होगी 11 से। ठीक है, अगर आपको ये नियम समझ में नहीं आया तो ऑप्शन से रखना, जो भी 11 से कट जाए पूरी पूरी वही आपका उत्तर है। तो यहाँ y की जगह 5 आ जाएगा, तो बिल्कुल आपको क्लियर रहा हो तो बिल्कुल मुझे बताइए। ये वीडियो भी 45 मिनट का पहुंच गया, पिछला भी मॉक टेस्ट कराया वो भी 45 मिनट का पहुंचा, तो भाई इतने तो पहुंचेंगे क्योंकि समझाने में टाइम लगता है। फिर भी एक आध जगह मुझे लग रहा है मैंने थोड़ी जल्दी कर दी, अगर आपको ऐसा नहीं लगा है तो मुझे कमेंट में बता दें, मेरा हौसला बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मॉक टेस्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मुझे ये भी बताएं। शेयरिंग के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे अब नहीं करूंगा क्योंकि आपने पहली वाली वीडियो बहुत शेयर की है दबा के, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत लोगों ने उसको देखा है, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ कोशिश करने में। मैं निश्चित कह रहा हूं आप लोगों को लगा के छोड़ूंगा चाहे कुछ भी सही। ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं।